शाहजहांपुर में आज ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकारों के खेल 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए और एक उनको मंच देने के लिए, जिससे प्रतिभाओं को पहचान के एक जगह इकट्ठा किया जाए और उन्हें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए, बल्कि कोशिश ये रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये प्रतिभाएं यहां से निकल के जनपद का नाम रोशन करें। इस खेल महोत्सव का आयोजन का उद्देश्य है कि हर तरह की प्रतिभा, हर उसकी प्रतिभा जो है यहां पर आ जाए। यहां पर 22 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ताइक्वांडो, जूडो, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, रस्साकसी, रेस के इवेंट, एथलीट के इवेंट, तमाम तरीके के इवेंट्स जो हैं रखे गए हैं। जैसे ताइक्वांडो और जूडो आप लोग जान रहे हैं इस टाइम कितना जरूरी है, सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है और जो आजकल जो घटनाएं देश और प्रदेश में हो रही हैं उन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपनी बालिकाओं बच्चियों को इस तरीके के इवेंट्स में प्रतिभाग कराना चाहिए, बल्कि खेलों को खिलाना सिखाना चाहिए ताकि वो स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार, अपने पड़ोसियों, अपने सहपाठियों की सुरक्षा भी करने में सक्षम होंगी। इस शहर में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं ताइक्वांडो खेल की ही हैं। ताइक्वांडो में यहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है, एक सेल्फ डिफेंस का कंपटीशन है, सेल्फ डिफेंस और अटैक का, जिसमें हम लोग जो हमारे अपोनेंट्स होते हैं उनको, जैसे हम लोग फाइट में यहीं पे जैसे हम लोगों की फाइट होती है तो उसमें देखा जाता है कि किसकी अटैकिंग मूव्स, किसके डिफेंस मूव ज्यादा पावरफुल या फिर स्ट्रांग है, और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे अगर कहीं भी कोई गर्ल है वो अकेले कहीं ट्रैवल कर रही है, उसे कोई छेड़ता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है बिना किसी की मदद लिए, खुद के लिए वो मतलब स्टैंड ले सकती है। और अगर हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं, अकेले जाते हैं या फिर किसी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर हम देखते हैं कि किसी को कोई अब्यूज कर रहा है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही हो, तो हम इससे आप किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, कौन से स्कूल में सीखती है? माय नेम इज प्रार्थना भटनागर और मैं DPS वर्ल्ड स्कूल में पढ़ती हूँ, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल।